राधा और रीना कौशलपुर गांव के हलवाई की बेटी थी। दोनों की ही माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अब उनके पिता की भी उम्र हो गई थी, तो दोनों लड़कियां ही दुकान संभाल रखी थी। राधा की एक छोटी बहन भी थी। राधा के पिता एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। वो हमेशा राधा को ईमानदारी ही सिखाते थे। बेटा, किसी भी धंधे में सुता बहुत ही जरूरी होता है। लावट से पैसे तो कमाए जा सकते हैं, पर इज्जत नहीं। इसलिए मिठाई हमेशा शुद्धता और पूरी मेहनत से बनाना, ताकि कुछ बचे ना बचे लेकिन लोगों की जुबान पर हमेशा मिठास और खुशी रहे। जी पिताजी। उधर रीना के पिता चालाक और मुनाफाखोर इंसान थे। वो रीना से कहते हैं, रीना बेटी, धंधे का बस एक ही असूल है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। इसलिए जितना हो सके मिठाई में मलाई और घी की जगह मैदा और डालडे का इस्तेमाल करना। किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, बस दिखने में एक ही सा लगता है। पर पिताजी, ऐसी मिठाई तो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। बेटा, इतना सोचेंगे तो धंधा कैसे करेंगे। समझ गई पिताजी। फिर एक दिन अचानक राधा के पिता बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, और राधा अपने पिता के कहे अनुसार ही शुद्धता से मिठाई बनाती है, जिस वजह से गांव के सभी लोग राधा से ही मिठाई खरीदते हैं और सब राधा की मिठाई की खूब तारीफ भी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रीना की मिलावटी मिठाई को कोई नहीं खरीदता है। ये देख रीना को राधा पर बहुत गुस्सा आता है। रीना अपने पिता से बोलती है, पिताजी, जब से राधा का बाप मरा है तब से सारे गांव वाले राधा से ही मिठाई खरीद रहे हैं। हमारी मिठाई तो कोई पूछ ही नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, यह दवाई ले जाओ, यह मैंने खास शहर से मंगवाई है। इसे किसी तरह रीना के मिठाई में मिला दो, फिर हमारा काम हो जाएगा। रीना दवाई लेकर चुपके से राधा की दुकान में जाकर उसके मिठाई में मिला देती है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। राधा की मिठाई खूब बिक रही थी, लेकिन जिसने भी राधा की मिठाई खाई उसको पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उल्टियां होने लगी। तभी गांव वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि सभी के पेट में जो दर्द हो रहा है वो मिठाई खाने से हुआ है। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर राधा की दुकान पर पहुंच जाते हैं और फिर मिठाई की जांच कराने पर पता चलता है कि मिठाई में केमिकल था। देखा गांव वालों, ये कैसी मिठाई में मिलावट कर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। इसे तो अभी के अभी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर सभी गांव वाले मिलकर राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी छोटी बहन भी है और मेरे कमाने का जरिया सिर्फ मेरे पिताजी की ये मिठाई की दुकान है। अब मेरी बहन कैसे अकेले रहेगी और वो क्या खाएगी। तभी उधर से एक जादूगरनी जा रही होती है। राधा को यूं रोता देख उसे उस पर दया आ जाती है और वो राधा से रोने का कारण पूछती है। राधा उसे सब कुछ बता देती है। तब वो जादूगरनी राधा से बोलती है, तुम अपने गांव वापस जाओ और गांव वालों से विनती करो कि वो तुम्हें एक मौका और दे। और फिर ये जादुई पानी है, इसे अपने मिठाई पर छिड़क देना। और फिर जादूगरनी राधा के कान में कुछ कहती है, अब तुम जाओ। राधा गांव वालों से हाथ जोड़कर एक और मौका मांगती है। गांव वाले राधा को मौका तो दे देते हैं, पर राधा की दुकान से मिठाई कोई नहीं खरीदता है। सब रीना की दुकान से ही मिठाई लेते हैं। एक दिन मगलू काका राधा की दुकान पर आते हैं। कैसे हो काका? ठीक नहीं हूँ बेटा, तुम्हारी काकी बहुत बीमार है। घर में छोटा बच्चा भी है जो मिठाई के लिए जिद कर रहा था, तो सोचा तुमसे ही लेता जाऊं। एक पाव मिठाई दे देना, पैसे बाद में दे जाऊंगा। अभी तो सारे पैसे तेरी काकी की दवाई में खर्च हो जाते हैं। कोई बात नहीं काका, ये लो 1 किलो मिठाई, पैसे जब मर्जी दे जाना, और ये मिठाई मेरी तरफ से काकी को जरूर खिलाना। मगलू काका घर जाकर सभी को मिठाई खाने को देते हैं। उसके पत्नी जैसे ही उस मिठाई को खाती है एकदम ठीक हो जाती है।
ये देख काका भी मिठाई खाते हैं। मिठाई खाते ही उनकी पूरी थकान खत्म हो जाती है और वो बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब तो मगलू काका ये बात पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता देते हैं और सभी लोग राधा की दुकान से ही मिठाई खरीदते हैं। जब भी किसी को कोई भी समस्या होती तो राधा की दुकान का मिठाई खाते ही वो बिल्कुल भला चंगा हो जाता है। अब तो राधा की मिठाई दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे। ये सब देख रीना उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। एक दिन राधा जब घर खाना खाने के लिए गई, रीना तभी राधा की दुकान में जाकर मिठाई में केमिकल मिला देती है। ये केमिकल पहले केमिकल से ज्यादा ही खतरनाक था। अब आएगा मजा, अब देखती हूँ ये राधा की बच्ची कैसे इस गांव में रहती है। अगले दिन जब रीना दुकान आई तो उसने देखा राधा की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। सभी गांव वाले उसकी दुकान पर है। लगता है सभी गांव वाले राधा को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जब रीना वहां पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा की दुकान में कैमरे लगे हुए थे और इस बार उसकी गलती ऊपर लगे एलईडी की स्क्रीन पर चल रहा था। आओ रीना आओ, इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और फिर क्या था, गांव के सभी औरतों ने मिलकर रीना की खूब धुलाई कर दी और उसे और उसके पिता को गांव से निकाल दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल कुकु टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।